हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, और आपके साथ डिफरेंशिएशन पार्ट टू का वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों को डिफरेंशिएशन पार्ट टू में प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल के बारे में जानकारी दी जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। तो जो पिछले फार्मूले थे, जिसमें जो हमने पहला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये दूसरा वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में ये फार्मूले थे, इन फार्मूलों का लगभग लगभग काफ़ी यूज़ किया था, और अब हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्ट टू में कि प्रोडक्ट के फंक्शंस होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इस वाले में हमने देखा था जो सेपरेट अलग अलग होते हैं, जैसे एक मान लीजिए आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स है, तो आप इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाता है ए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाता है आपका कॉट एक्स, प्लस सी साइन एक्स अपॉन में, तो ऊपर जाके क्या बन जाता है ये कोसेक एक्स। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। काफ़ी बातें आपने पिछले वाले वीडियो में समझ ली है, ए का जीरो, बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और सॉरी कॉट एक्स है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सी कोसेक एक्स का है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना ही लिख देंगे तो बहुत होगा, माइनस बी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सी कोसेक एक्स कॉट एक्स, इट्स एनफ, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर कोई ऐसा दूसरा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दिखने में पर बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत टीचर्स को बहुत पसंद है, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, तो इसको ओपन कर दें, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगा के और कॉस एक्स लिख दें यहाँ पर होल अपॉन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन गया ये बन गया कॉस ए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल साइन ए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव भी है, डी वाई बाई डी एक्स पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस ए टेन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ साइन ए। अब देखो कॉस ए बाहर आ जाएगा बीइंग अ कॉन्स्टेंट, ये क्या चीज़ है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, और ये भी कॉन्स्टेंट है, पर ये पूरा कॉन्स्टेंट नहीं था, क्योंकि ये पूरा कॉन्स्टेंट थोड़ी है, क्योंकि कॉस ए इंटू टेन एक्स है, तो कॉस ए इंडिविजुअली कॉन्स्टेंट है पर बीइंग मल्टीप्लाइड विथ टेन एक्स इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट। ये जो धनुष जैसा बना है ये कॉन्स्टेंट पूरा नहीं है, पर ये इंडिपेंडेंटली कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए इसका तो जीरो लिख दो पहली फुर्सत में, कॉस ए बाहर निकाल लो, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ना आप के बाहर आ जाता है, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, एफ एक्स का हो जाता है, तो ये टेन एक्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, वाई बराबर कॉस एक्स माइनस ए अपॉन, इसमें यहाँ पे हमने क्या लिया है कॉस एक्स लिया है, तो यहाँ पे साइन एक्स ले लेते हैं, कॉस एक्स लेके भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें, है ना। तो मैं आपको इसका आंसर लिख दूंगा ताकि आप इसका आंसर निकाल पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, तो इसका आंसर है माइनस कॉस ए कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये आंसर आपको लेके आना दोस्तों, नहीं आएगा तो मुझे बताना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9685698056, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अगर आपको कमेंट नहीं करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2-3। लेकिन अगर फंक्शन इस तरह के नहीं हुए तो, नहीं हुए तो मतलब किस तरह के होंगे फिर समझते चलो आओ। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन है ऐसा वाई बराबर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, तो कैसे करोगे, तो अगर ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स होता तो सिंपली हो जाता, अगर आपके पास ऐसा होता ना ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स तो फिर सिंपल हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स कैसे हो जाता, ई एक्स का अलग कर देते, ई एक्स ई टू द पावर एक्स का देखो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स इधर लिखा है कॉस एक्स, तो ऐसे ऐसे करके दोनों का अलग कर देते। पर अब ये प्रॉब्लम कैसी है कि ये प्रोडक्ट है, तो फिर प्रोडक्ट में क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक फार्मूला है वो फार्मूला लिख देता हूँ आपका काम बन जाएगा।
फॉर्मूले में रखा और काम हुआ, और इसमें ज़्यादा आपको तनाव भी नहीं रहेगा। फॉर्मूला इस तरह का है, डी डी एक्स ऑफ, आप मान लो पहला फंक्शन है आपके पास एफ वन और दूसरा फंक्शन है उसका नाम एफ टू है, तो पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना और दूसरे वाले को ऐसे ही लिख देना जैसा लिखा वैसे ही लिख देना प्लस, अब पहले वाले को ऐसे ही लिख देना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। तीन का होगा तो क्या करेंगे, बताऊंगा मैं, बताऊंगा आप चिंता नहीं करना, मेरे साथ बने रहना। ये देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी आप डी डी एक्स लगा देना, फिर रूल लगा देना डी डी एक्स किसका, ई टू द पावर एक्स का, फिर सेकेंड वाले को कुछ मत करो लिखा ना इसमें, एफ टू को कुछ मत करो, एफ वन एफ टू किसको मानना, किसी को नो प्रॉब्लम, अब पहले किसको कुछ नहीं करना, ई एक्स को कुछ नहीं करना, और डी डी एक्स किसका कर देना आपको, साइन एक्स का कर देना है। ई एक्स का डिफरेंशिएशन देख लो अच्छा उधर से बच्चों, ई एक्स का ई एक्स साइन एक्स, और ई एक्स साइन एक्स का कितना, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, अब एक और लिख देता हूँ, तो आप इसको करना और फिर मुझको रिस्पॉन्स लिखना, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मूले सब लिखे, आपको सब कुछ आता है, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करना ही नहीं है, इसका ऐसा होना चाहिए आंसर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस तो रहे। वाई इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, ताकि आप उसको करेंगे तो आपको मज़ा आ ही जाएगा। ये आएगा आज बिल्कुल आपको 110% यू विल एंजॉय दिस, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आप लिख लेंगे, और मैं अब इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि कुछ आगे की चीज़ें भी करनी है दोस्तों। तो आगे की चीज़ में आ जाते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं कि अब कैसे करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला था, तो इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, और आप फार्मूले वाले रिकॉर्ड में चढ़ा देना इसको, फार्मूले की एक अलग डायरी एक्सक्लूसिव बना लो, सारे वीडियोस बनाए हैं, कोई वीडियो में कंजूसी नहीं, कोई में कमी नहीं, सारे वीडियोस देखो एंजॉय करो। क्लास सिक्स ऑनवर्ड सारे बना दिए हैं, अप टू जेई, जेई तक के बना दिए हैं, और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, वाई इज इक्वल टू, जैसे आप मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या करेंगे हम, तो आपको ही कुछ नहीं करना, इसको लिख दो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स किसका साइन एक्स इंटू साइन एक्स का, अब तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दोनों ही एक जैसे हैं, किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मानो, और साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या हो गया आपका साइन एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, क्या हो गए डबल हो गए टू टाइम साइन एक्स कॉस एक्स। अगर आपके पास देखो ऐसा क्वेश्चन है तब क्या, कुछ भी नहीं, घबराने की तो कोई बात ही नहीं मेरे बच्चों, ऐसा दे दिया थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया, तो फिर क्या, फिर ये पहला ये पूरा फर्स्ट बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सेकेंड कांस्टेंट, अब थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है ना आने लगा तो फिर डायरेक्ट करना है, ये कर दिया। अब एक्स स्क्वायर में, अब इसमें अंदर चले जाओ, एक्स स्क्वायर का कर दो, एक्स स्क्वायर का कितना टू एक्स, एक्स का कितना वन, मैंने आप और वन का जीरो, वो आपको फॉर्मूला लिखाए थे ऊपर, तो आपको मैंने एक ऐड कराया था एक्स एक्स का वन, इसका कुछ भी नहीं करना, और इसका करना है क्या, यस इसका पहले वाले का तो नहीं करना क्योंकि उसका उधर हो गया, इधर इसका कर दो एक्स का वन माइनस एज इट इज, पर कॉट का भी माइनस में आता है क्योंकि ये सी से चालू हो रहा ना,
सी से चालू हो रहा है मेरे दोस्तों, तो इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, वो अपना माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो ये था हमारा सेवेंथ। अब थोड़ा सा एक इसके जैसा मैं आपको लिख के भी देता हूँ, तो आप करोगे ना तो आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आ जाने वाला है, फिर आप एक नंबर स्टूडेंट हो जाओगे और मैथमेटिक्स में ऑलराउंडर। वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद रखना ए स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो एक्स प्लस लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन करने के बाद ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हो गया है ना। अब आप बोलोगे कि सर आंसर आंसर आंसर, तो मैं आंसर भी लिख देता हूँ, पर आप धीमे धीमे करना है ना। ये आंसर आएगा आपका, ये भी अब रब करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि अब जगह कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये था आपका एट्थ का डेरिवेटिव। कुछ आपको इस आपकी बुक से भी लिख देता हूँ मैं, ये एनसीईआरटी बुक से, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू एक है एक्स टू द पावर फोर 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये आपके एनसीईआरटी का है। और आप अगर एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप तो एक झटके में कर देंगे, कैसे कर देंगे, x टू द पावर 4 का करेंगे 4x क्यूब, इसको कुछ नहीं करेंगे, अब तो आप होशियार हुई, प्लस x टू द पावर 4 को कुछ नहीं करेंगे, इसका करेंगे, ये लो आपका ये आ गया। अब ज़्यादा कॉमन ओमन लेने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। आपको आपका नंबर ये इस क्वेश्चन का है 22, पेज नंबर 318, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और पेज है 318। अब इसी के जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का 23 क्वेश्चन है और पेज वही है आपका 318। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जैसे समझा भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x प्लस जीरो और कॉस एक्स का कुछ भी नहीं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कुछ भी नहीं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा जैसा आपका आंसर हो। इलेवेंथ वाला है ये, मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और पी प्लस क्यू कॉस एक्स, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 24, पेज सेम 318, पेज नंबर 318। अगर ये 8 दिख नहीं रहा होगा तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, 8 318। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपनी बुक का है, इसको कर सकते हैं। और इसी के जैसे और भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक आपके दिमाग में आइडिया बना रहेगा तो आप बेहतरीन कर लेंगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। और डर किसी भी बात का दिमाग में नहीं रखना, ये बहुत सरल है। आप एक बार नहीं आता समझ में, दो बार देख लें, नहीं आता तो फ़ोन कर लें, व्हाट्सअप कर दें, जो करना हो कर दें। y बराबर x प्लस cos x और इंटू में है आपके पास x माइनस 10x, ये आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर है 25 और पेज है वही 318, पेज 318। अब इसका डीवाई बाई डी एक्स, अब तो फॉरवर्ड हो गया, आप ओरली भी एकदम डायरेक्ट x का 1
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, दूसरे वाले ब्रैकेट को छूना नहीं, यही आंसर आएगा आपका। प्लस पहले वाले को छूना नहीं, ऐसे ही लिखना है, एक्स का वन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले आपके हाथ में होंगे, अब आपने लिख दिया। तो ये प्रोडक्ट रूल में कुछ क्वेश्चंस थे जो इससे जुड़े हुए थे। कुछ और भी सीखने हैं आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके उसमें क्वेश्चन नंबर आप पीछे जाएंगे तो मैं आपको 13 से कनेक्ट करता हूँ उस क्वेश्चन को, अपने 13 नंबर से। y इज इक्वल टू है आपके पास कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान के कर लेंगे आप। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 15 और पेज नंबर है 318, पेज 318। तो ये जरूर करिए। तो इसके लिए आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आप सुपर स्टार हो चुके हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई गड़बड़ होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि गड़बड़ और आप साथ साथ रहेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, वो भी एनसीईआरटी से उठा लेते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये एनसीईआरटी और क्वेश्चन नंबर है आपका 4, पेज नंबर है वही, तो सॉरी पेज यहाँ चेंज है, 317 है बच्चों, 317 एक्सट्रीमली सॉरी, ये 317 पेज नंबर से, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चाहें तो आप पहले इसको ओपन कर लें, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर ओपन कर लें, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर, टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर। अब आप आराम आराम से कर दें, और अभी चाहें तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो पहला लेक्चर था उसके जैसा हो जाएगा यहाँ काम। तो अगर कोशेंट रूल लगाना है तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी का ए इंटू वन प्लस ज़ीरो, और ये कॉन्स्टेंट रहेगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू सी डी एक्स प्लस डी स्क्वायर, और फिर ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट रहेगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टू एक्स टू सी डी एक्स का वन और डी स्क्वायर का ज़ीरो, बिकॉज डी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट। अब थोड़ा ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी होगा तो इधर उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, नेवर माइंड। अच्छा हुआ आज काफ़ी क्वेश्चंस की हमने, पिछले वीडियोस में भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, आप बने रहेंगे साथ साथ देखते रहेंगे, आपका कोर्स एक नंबर हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे बच्चों हो जाएगा ए, और उसको वापस से सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। और दूसरा वाला है ए एक्स प्लस बी, और इस वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, जो कॉमन ले सकते हैं वो दिखा बताएं, कॉमन क्या ले सकते हैं, तो टू सी कॉमन ले सकते हैं। तो जब टू सी आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, सी एक्स प्लस डी, तो पूरे में से सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे बचेगा आपके पास ट्वाइस सी इंटू ए एक्स प्लस बी। अब कोई ख़ास बात ऐसी बची नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके, ये कौन है, ये टू ए सी एक्स है और ये ए सी एक्स है, ये मिला के हो जाएगा थ्री ए सी एक्स, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, फिर ये कौन सा ए डी है और वो 2bc है, तो ये हो जाएगा ad प्लस 2bc, ये इस तरह से हुआ। अब आप एक परेशानी ऐसी है कि अगर तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो क्या करेंगे, तो तीन फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए पहले एक फार्मूला और डिज़ाइन कर लेते फिर आपके पास साथ आगे बढ़ते हैं। ये नंबरिंग कर लेती, नंबरिंग हो गई थी ये 14 तक की 15th, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक का लेंगे
और क्वेश्चंट रूल को हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्वेश्चंट रूल को अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो 15 के लिए पहले तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का दिमाग में एक आइडिया हमारे कि तीन फंक्शन का अगर प्रोडक्ट होगा तो कैसे करेंगे। तो दो तरीके, पहला तरीका है कि दो को एक बना लो, इन दोनों को एक बना लो और वो बना लो, या फिर वो फार्मूला अगर आप कर लोगे तो फार्मूले से आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। फार्मूला क्या है, चलो फार्मूले पे आ जाते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ वन एफ टू एफ थ्री, और एफ फोर हो तो एफ फाइव हो तो, एक जनरल बता दिया आपको फार्मूला, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ वन। पहले का करना है, दूसरे तीसरे को नहीं करना, प्लस अब पहले को नहीं करना है, पहले का कुछ नहीं करेंगे अपन, पहले को ऐसे लिख देंगे, दूसरे का करेंगे और तीसरे को भी ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट सेकंड एज इट इज, डी डी एक्स इसका आ जाएगा एफ थ्री, थर्ड वाले का आ जाएगा। अगर चार होंगे तो अब समझ ही गए होंगे, पहले का करेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ छोड़ देंगे, सेकंड का करेंगे फर्स्ट थर्ड फोर्थ छोड़ेंगे, थर्ड का करेंगे तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ छोड़ेंगे, फोर्थ का करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एज इट इज लिखेंगे, बस कुछ नहीं। तो ये इसका जनरलाइजेशन है, जो रूल किया था ना हमने तो उसका ये जनरलाइजेशन है। तो इसमें बहुत आसानी से आप कर सकते हो, डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर डी डी एक्स लगा देंगे पूरे पे, फिर क्या करेंगे, फिर रूल लगा देंगे वो, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स लॉग एक्स को कुछ नहीं करेंगे। फिर डी डी एक्स किसका कर देंगे, बीच वाले का, और फर्स्ट थर्ड को ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसे लिख देंगे, ये आ गया। तो देखो अपना काम बन गया, ई एक्स का कितना, ई एक्स साइन एक्स लॉग एक्स कॉन्स्टेंट, ई एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स का भी कुछ नहीं करना, वैसे लिखना है ई एक्स साइन एक्स को कुछ नहीं करना है, लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता है, साइन एक्स बाय एक्स को वन मत लिख देना, वो लिमिट में होता है साइन एक्स बाय एक्स। तो ये ऐसे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा करना हो तो ई एक्स कॉमन लो, अदरवाइज यही आंसर है आपका, दिस इज़ योर आंसर, यही आंसर है, ज़्यादा अपने दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का देखा आपने। अब अगर आपके पास कभी साइन क्यूब एक्स आ जाए तो आप साइन क्यूब एक्स का साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स लिख के करना और मुझको लिख के भेजना, मैं आपको बताता हूँ। वाई बराबर साइन क्यूब एक्स है तो इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, और इसका भी इसी तरीके से करना, तो आपका आंसर ये आएगा 3 sin² x cos x। अगर चार का होगा तो चार बार लिखना, तो फिर क्या आएगा आपका आंसर, ये पावर में इसका आंसर आएगा 4 cos³x माइनस साइन एक्स, ये इसका आंसर है। तो अब आपको जो इस एनसीईआरटी में एक बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि वो क्या चीज़ है। तो वो वाला ऐसा है, वाई बराबर साइन एक्स टू द पावर एन है, एन हो एम हो कुछ भी हो ऐसा, तो क्या करेंगे हम इसको लिख देंगे साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स अप टू एन टाइम्स, है ना। तो अब रूल कैसे लगाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ होल पूरे का, इसका साइन एक्स का इंटू साइन एक्स का इंटू साइन एक्स का इंटू साइन एक्स का अप टू एन टाइम्स। तो कैसे करेंगे, तो पहले वाले का साइन एक्स का कर दो,
पहले वाले साइन एक्स का कर दिया तो कितने साइन बच गए, जब एक का कर दिया तो बच गए एन माइनस वन, तो ऐसा कर सकते हैं उसको साइन एक्स की पावर एन माइनस वन लिख लो जो बचे हुए हैं, या ऐसा नहीं लिखना तो होल लिख लो, एक ही बात है। अब जब दूसरे नंबर वाले साइन एक्स का करोगे, ये दूसरे नंबर के साइन एक्स का कर रहे हैं तो कितने बच गए, तो एक तो ये बच गया और बाकी के बच गए, तो टोटल एन है, एक का कर दिया तो कितने बच गए आपके पास साइन एक्स की पावर एन माइनस वन। जब तीसरे वाले का करोगे तो कितने बचेंगे, तो भी उतने ही बचेंगे, एक का करते हैं बाकी को छोड़ देते तो कितने को छोड़ देते एन माइनस वन को छोड़ देते साइन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इन यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस द प्रोसेस विल गो ऑन अप टू एन टर्म्स या एन टाइम्स, जो भी लिखना हो आपको एन टाइम्स एन टर्म सेम है। तो साइन एक्स का कितना हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स है तो ये हो गया कॉस एक्स, बचा क्या आपके पास साइन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, कॉस एक्स साइन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये प्रोसेस एन टाइम्स है, एन टाइम्स एन टर्म्स, एक ही चीज है, एक ही बात है, पूरी वही की वही चल रही है, एन इंटू साइन एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स, ये हो गया आपका डेरिवेटिव इसका साइन एक्स टू द पावर एन का। अगर यही क्वेश्चन एम होता, यही क्वेश्चन एम का होता साइन एक्स टू द पावर एम का, तब क्या बन जाता, तो एम बन जाता है एन की जगह एम साइन एक्स टू द पावर एम माइनस वन कॉस एक्स। अगर इसमें साइन की जगह कॉस आता तब क्या करते है ना, साइन की जगह कॉस आता तो कैसे करते, तो साइन की जगह अगर अपने पास कॉस आ जाता तो आप ऐसे लिख देते, सॉरी y इज इक्वल टू कॉस टू द पावर n, कॉस x टू द पावर n, तो इसका dy बाय dx हो जाता n cos x टू द पावर n माइनस वन इंटू माइनस साइन x, और ये किसके जैसा हो गया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा। और अगर ऐसा होता तो ax प्लस बी टू द पावर p होता तो भी ऐसे ही होता, क्या हो जाता तब dy बाय dx इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर पी माइनस वन इंटू ए ए ए आ जाता, इसमें ए आ जाता, तो इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते थे। तो और भी इस टाइप के कुछ हो तो उसको बना सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एन लिख दें, है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे इसमें n लिखा हुआ तो n भी लिख सकते, n लिख दिया तो यहाँ आ जाएगा n, यहाँ आ जाएगा n माइनस वन, ये सेम एज किसके जैसा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 जैसा हमने 18 किया ना। अब आपको यही की यही चीज एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 317 बिल्कुल इसी के जैसा कुछ करना है और डिफरेंशिएट करके रख देना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ये था क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तो 13 भी इसके जैसा ही है, उसमें ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, सी एक्स प्लस डी की पावर एम है। ए एक्स प्लस बी की पावर एन ए और सी एक्स प्लस डी की पावर एम ए। तो आप पहले कैसे करेंगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आप पहले क्या काम करेंगे। ये पहले
पहले आप इसको u मान लें, u बराबर ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, और v बराबर मान लें सी एक्स प्लस डी टू द पावर m, और डी यू बाई डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर m n, ये लिखेंगे n ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन इंटू ए। इसमें वर्क, या इसको ऐसा मान लो कि मैं सिमिलरली लिख देता, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18, जैसे मैंने 18 करके बताया था ना, वैसे ही आप इसको करना, तो ये आ जाएगा, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा ही होगा। जब आपका ये आ जाएगा, है ना, ये रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लिखोगे डी वी बाई डी एक्स मीन्स डी डी एक्स ऑफ, अब आप यहाँ सिमिलरली लिख ले सकते हो, सिमिलरली, सिमिलरली, इसके लिए उतनी मेहनत की जरूरत नहीं जितनी उधर करोगे आप, सिमिलरली लिख देना डी डी एक्स ऑफ दिस एम है ना, यहाँ यह आ जाएगा एम सी एक्स प्लस डी एम माइनस वन इंटू सी, ये आप लिख देना कि सिमिलरली, मतलब सिमिलर, ये दिस टू बी प्रूव्ड, ये तो आपको निकालना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में निकाला, पर दिस यू कैन राइट डायरेक्टली सिमिलरली, मतलब आफ्टर गेटिंग दिस यू कैन राइट सिमिलरली डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। पर अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, तो अब अपने को ये निकालना है इसका डेरिवेटिव किसका, वाई बराबर, तो वाई बराबर क्या हो गया, इसको यू माना और इसको वी माना, तो फिर डी यू बाई डी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस सॉरी इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो अब आप एक काम करो, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए ना, ये लिख लो एन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए, और v की वैल्यू क्या है, v की वही है सी एक्स प्लस डी टू द पावर m, प्लस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n है, और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना ये है, तो ये नीचे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं m सी एक्स प्लस डी पावर m माइनस वन इंटू सी। अब इसमें से अगर कोई कॉमन निकाल रहा हो तो कॉमन निकाल लें, तो ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस डी पावर एम माइनस वन कॉमन आ रहा है, निकाल लें ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन और सी एक्स प्लस डी पावर एम माइनस वन कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा वो देख लो, अंदर बचेगा ए इंटू एन, इसमें से एम माइनस वन निकाला तो वन बच जाएगी इसमें, तो हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, इसमें से एन माइनस वन निकाली तो एक बच जाएगी इसमें, तो हो जाएगा एम सॉरी ए एन है ना, और ए एन है इसमें बचेगा एम सी, एम सी ए एक्स प्लस बी पावर एन वन बचेगी, जैसे इसमें वन बची ना ऐसे इसमें भी बच जाएगी। बस अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, चाहें तो आप ये ब्रैकेट ओपन कर दें, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी अपने टीचर से आप पूछ लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए और इस हिसाब से आप कर सकते हैं, और इसको ही देख करके आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसको भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर m कॉस एक्स टू द पावर एन। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ तो आपको दिक्कत की बात नहीं रहेगी, आप आंसर अपना निकाल लेना, साइन एक्स टू द पावर एम माइनस वन कॉस एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एम इंटू कॉस एक्स माइनस एन इंटू साइन एक्स, ये आप कर लेना, और करके कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वैसे प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, आप सिस्टमेटिकली करोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स प्रूफ, और
आप मुझे लिख भेजिए जो भी प्रॉब्लम हो, और आप मुझसे शेयर करिए अपनी बातें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मोबाइल नंबर भी दे दिया आपको व्हाट्सएप, अब तो इससे ज़्यादा ज़रूरत की बातें नहीं। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को आगे से आगे बढ़ाएं, रोकें नहीं। रोकना मतलब एक अच्छी बात नहीं है, जब आपने इसका फ़ायदा लिया है तो इसको तुरंत से आपकी ड्यूटी है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, से आगे चैनलाइज कीजिए। और मैंने सारे वीडियो 6 to 12 और JEE तक के बनाए हैं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आपको केवल एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ा देना है। इसी के साथ मेरी बेस्ट विशेष है, अपने दोस्तों से ज़्यादा बातें करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही है मालूम ही आपको, और कोई कमेंट हो मुझे लिखें, और अगर आपको कोई परेशानी हो, हेजिटेशन हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर दें, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट।